इस्तीफा देने के बाद अशोक तंवर ने कांग्रेस नेतृत्व पर किया हमला। तंवर बोले, वफादार नेताओं को पार्टी में किया जा रहा है साइडलाइन। हरियाणा के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर ने पार्टी से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस के नेतृत्व पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के वफादार नेताओं को पार्टी में साइडलाइन किया जा रहा है। तंवर ने कहा, हमारी ये हालत इसलिए है क्योंकि हमें साइडलाइन कर दिया गया। तंवर ने राहुल और पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी पर कुछ बोलने से इनकार करते हुए कहा कि पार्टी की व्यवस्था में काफी कमियां हैं, मेरा गुस्सा कांग्रेस के लोगों से है, पार्टी की विचारधारा से नहीं। बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अशोक तंवर ने कांग्रेस की प्राथमिकता सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। टिकट बंटवारे को लेकर तंवर कुछ समय से नाराज चल रहे थे। वहीं अशोक तंवर ने पार्टी पर हरियाणा के सोहना विधानसभा सीट पर 5 करोड़ में टिकट बेचने का भी आरोप लगाया था।